एक चुनाव क्षेत्र में लोकसभा के आजकल 10-10 लोग एप्लीकेशन करते हैं कि हमको रिजर्व सीट पर चढ़ाया जाए, चुनाव लड़वाया जाए। तो आजकल कंपटीशन है गद्दारों में, तो जो सबसे बड़ा गद्दार होगा उसी को ना टिकट मिलेगा। तो गद्दारों में भी कंपटीशन है, जमाना कंपटीशन का है। अब गद्दारों में कंपटीशन है तो ज्यादा से ज्यादा जो गद्दार होगा उसको ना टिकट मिलेगा। शास्त्री जी, आप समझते नहीं हो, आप विरोधी पार्टी को आपको मालूम नहीं है। सैलानी ने राजनाथ सोनकर शास्त्री के कान में कहा, सोनकर शास्त्री ने काशीराम जी को कहा, काशीराम जी ने हमको कहा, तो हमने सोचा आपको बता दूं। काहे के लिए बता रहा हूं, तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उसका दूसरा सबूत है पार्टी का व्हिप। पार्टी व्हिप निकालती है, व्हिप को मराठी में कोड़ा बोलते हैं, हिंदी में चाबुक बोलते हैं। तो पार्टी के पास अधिकार है व्हिप निकालने का, ये एमपी बोलेंगे और ये एमपी नहीं बोलेंगे, और पार्टी की ये लाइन है ये बोलना होगा। तो इसका मतलब बोलने की आजादी खत्म। अगर बोलने की आजादी खत्म तो इसका मतलब आजादी खत्म। अगर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं दिया जाता तो इसका मतलब उनको संसद के अंदर, विधिमंडल के अंदर गुलाम बनाकर रखा गया है। अगर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है तो वो आर्टिकल है 330 और 332। बाबा साहब आंबेडकर संविधान लिखने के बाद, आजादी मिलने के बाद, 4 साल के बाद अगर वो कह रहे हैं तो बाबा साहब आंबेडकर ना समझी में नहीं कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है परिस्थिति, उनका जानकारी नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये दुर्दशा है। एक दुर्दशा का उदाहरण मैं बहुत बार बताते रहता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा, वो भी बता देता हूं। एक बार जस्टिस अकोदिया जी जो जयपुर में थे, वो और चतुर्वेदी कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर, एक अनुसूचित जाति का एमएलए और जस्टिस अकोदिया और एक ड्राइवर, 4 लोग जा रहे थे जयपुर से जोधपुर। तो जाते जाते एक थोड़ा सा जंगल का समय, जंगल आया तो चतुर्वेदी जी ने गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकने के बाद चतुर्वेदी जो ब्राह्मण थे उन्होंने दरवाजा खोला और खोलकर जो झाड़ी नुमा जगह थी झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने के लिए चले गए। जब टॉयलेट करने के लिए चले गए तो गाड़ी के अंदर 3 आदमी थे, एक ड्राइवर था, जस्टिस अकोदिया थे और एक एमएलए अनुसूचित जाति का था। तो आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तो एमएलए ने जज साहब को पूछा, जज साहब चतुर्वेदी जी टॉयलेट के लिए गए हैं अब मगर पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने एमएलए को कहा, नहीं गए होंगे, उसका ना पिछवाड़ा है, वो धोना चाहता है नहीं धोना चाहता है उसका ना मर्जी है, काहे के लिए आप चिंता कर रहे हो, ये कोई विधानसभा का विषय तो है नहीं है जो आप एमएलए होकर उसकी चर्चा करना चाहते हो। समझ में आ रहा है मैं बताना, ये विधानसभा का सब्जेक्ट तो है नहीं। नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको क्यों पूछ रहे हो, हमको भी शामिल करना चाहते हो इसमें। अगर आपको कुछ करना है तो हमको क्यों पूछ रहे हो, क्या करना चाहते हो। तो कहा कि पानी की बोतल है, हम बोतल ले जाना चाहते हैं। तो हमको क्यों पूछ रहे हो, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, हमको मत पूछो, तुमको ले जाना है लो, ना ले जाना ना मत लो। तो उसने दरवाजा खोला, पानी की बोतल निकाला और पानी की बोतल लेकर वो उधर लेके गया। ऐसा जस्टिस अकोदिया जी अजमेर के सम्मेलन में बोल रहे थे मंच पर, मैं उधर बैठा था, तो मैंने वहां से आवाज लगाई जस्टिस साहब को कि जज साहब वो जो हमारा एमएलए था वो झाड़ी के पीछे पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया।
है? तो जज साहब ने कहा चूंकि वो झाड़ी के पीछे थे मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो एमएलए चुनकर जाते हैं, एमपी चुनकर जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने तीन अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किए, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, औजार, हथियार, स्वर्ण हिंदुओं का हथियार हमारे लोगों के विरोध में इस्तेमाल किया जाने वाला। अब एमएलए तो हमारा आदमी है, एमपी हमारा आदमी है, हमारे फेवर में काम करना चाहिए, मगर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये औजार है, हमारे ही विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाला। इसलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया टूल ऑफ द कास्ट हिंदू। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। स्टूज का हिंदी में अर्थ होता है पिट्ठो, पिछलग्गो और चमचा। तीसरा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया तीसरा शब्द अंग्रेजी का है एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। मैं दोनों इसलिए बताते रहता हूं कि जो आपके लिए सुटेबल हो जाएगा वो आप स्वीकार कर लेना। तो ये शब्द बाबा साहब अंबेडकर ने किताब में लिखे हुए, किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी जी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, किताब के अंदर लिखा हुआ है। कुछ लोग, अकलमंद लोग आपके विद्यार्थियों में बैठे हो सकते हैं, बोलेंगे तो असांसदीय भाषा है, हमारे जो पढ़े लिखे विद्यार्थी है तो वो ऐसा सोचते होंगे कि ये तो असांसदीय शब्द है। तो हमारे विद्यार्थियों को सांसदीय और असांसदीय शब्द समझ में आते हैं, बाबा साहब को समझ में नहीं आते थे। बाबा साहब ने इस्तेमाल किया ना ये शब्द, आप लोगों को सांसदीय और सांसदीय शब्द समझ में आते हैं मगर बाबा साहब को नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने यूज किया, शायद ऐसा आप लोग सोचते होंगे। इसलिए आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं। एक बार लखनऊ में पुलिस महासंचालक रिटायर हो गया, उसका नाम बताना ठीक नहीं रहेगा, उसने यही कहा था मुझे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में, मेश्राम जी क्या ये शब्द असांसदीय नहीं है? तो मैंने उसको तपाक से जवाब दिया कि क्या बाबा साहब अंबेडकर को सांसदीय असांसदीय समझ में नहीं आता था, और आपको समझ में आता है, आपको पढ़ाने लिखाने की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी, पढ़ने लिखने का अधिकार आपको बाबा साहब अंबेडकर की वजह से मिला, बाबा साहब की वजह से आप पढ़े लिखे हो गए, और आप इतने पढ़े लिखे हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर कोई संसदीय भाषा बोलना नहीं आता था, यहां तक आप पढ़े लिखे हो गए। तो ये बात इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण करके समझा रहा हूं, क्योंकि हर चीज, हर शब्द के पीछे कोई ना कोई सोच होती है, इसलिए विश्लेषण करके समझाना जरूरी होता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो शब्द प्रयोग किताब में लिखे हैं उन्होंने इतना सोचा था कि ऐसा होगा, मगर हमारा एमएलए पिछवाड़ा धोने तक गिर जाएगा ये बाबा साहब भी कल्पना नहीं कर सके, ये एमएलए एमपी पिछवाड़ा धोने तक गिर जाएगा, यहां तक गिर जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा था, मगर ऐसा हुआ। और एक भगोरा नाम का शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का एमपी, गुजरात का देसाई, कौन से चुनाव क्षेत्र का है भगोरा, जो औरतों को एयरपोर्ट पर विदेश में लेके जा रहा था, बीजेपी का एमपी था, आदिवासी का, गुजरात साबरकांठा का, ओ भगोरा उसका सरनेम है, पहला नाम मुझे मालूम नहीं है तो मुझे याद नहीं है, मगर वो औरतों को विदेश में बेचने के लिए लेके जा रहा था, उसको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, और वो भी सुरक्षित सीट आदिवासी के रिजर्व सीट पर चुनकर गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो दलाल शब्द इस्तेमाल किया है तो रियलिटी में है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। अगर यही ज्वाइंट लोकटेट महिलाओं को लागू कर दिया गया तो क्या उत्पन्न होगा महिलाओं के अंदर, ये तो मैं माइक पर बोल भी नहीं सकता। जो महिलाओं के अंदर अगर ये ज्वाइंट लोकटेट अगर लागू कर दिया गया तो महिलाओं में क्या होगा, ये मैं माइक पर बोल नहीं सकता, क्योंकि जो शब्द प्रयोग उसके लिए उपयुक्त है वो शब्द प्रयोग मैं माइक पर नहीं बोल सकता।
इस सभ्यता का तकाजा है कि वो शब्द माइक पर नहीं बोला जा सकता। इसलिए ये जॉइंट डायरेक्टरेट ये कितना भयंकर मामला है। और सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रपोजल रखा हुआ है, वो प्रपोजल बहुत भयंकर है और महिलाओं के विरोध में है। ये बात हम लोगों को ठीक से समझना होगा। साथियों, मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम नहीं, गुलामी से भी बदतर गिरा दिया गया है। ये बाबा साहब आम्बेडकर आशंका करते थे, उससे भी भयंकर हो गया है। ऐसे स्थिति में बाबा साहब आम्बेडकर विद्यार्थियों को कहते हैं संगठित होना चाहिए। संगठित होकर केवल पढ़ा लिखा होने के बाद केवल आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए और केवल अपने सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने लोगों के आजादी के लिए सोचना चाहिए और उसके लिए जीवन भर लड़ाई लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। जब आप अपने लोगों के आजादी के लिए लड़ाई करोगे, उस लड़ाई में आपका सुख है। ये सारे बैकग्राउंड में है तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये जो सेंटेंस है ये सामान्य लगता है। अगर इस बैकग्राउंड में इस बात को समझा जाए तो ये बहुत भयंकर बात है। इसलिए साथियों, इस बैकग्राउंड के साथ में जो आप पढ़ लिख रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर की राय अच्छी नहीं थी। बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो उन्होंने कहा, इससे प्रमाणित होता है। फिर विद्यार्थियों के सामने उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें विद्यार्थियों को आत्म केंद्रित होने के लिए रोका। फिर फॉरेन में उन्होंने जिन स्टूडेंट को विदेश में भेजा था, उनसे जो उम्मीद उन्होंने की थी, तो जब बाबा साहब आम्बेडकर कभी कभी फिर इंग्लैंड जाते थे तो उनके पास उनके एड्रेस होते थे, टेलीफोन होते थे, तो वो उनको बुलाते थे तो लोग आते नहीं थे। जी, बाबा साहब आम्बेडकर ने जिनको इंग्लैंड में भेजा था, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और वही बस गए, इधर आए ही नहीं। जो वहां बस गए, उन्होंने अपने समाज की तरफ कुछ नहीं देखा, और जो भारत में आए तो फॉरेन का एजुकेशन था, इसलिए बड़े बड़े पोस्ट उनको मिल गई, बड़ी बड़ी नौकरियां मिल गई, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। शायद एक व्यक्ति था, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े, 52 लोगों में एक आदमी था जिसने वापस आने के बाद में समाज का काम किया। बाकी पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोग पैदा हो इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कोशिश किया, उससे जो पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, उसमें ज्यादातर 90% लोग आज के तारीख में अपने समाज के तरफ देखने के लिए राजी नहीं है। आज अगर उनके साथ बहुत गैर व्यवहार हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इलिटरेट लोगों से ज्यादा खतरनाक है। जो अनपढ़ लोग हैं वो उतने खतरनाक नहीं है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे कम हैं और सेमी इलिटरेट ज्यादा है। सेमी इलिटरेट का मतलब होता है आधे पढ़े लिखे। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें मैक्सिमम आधे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आधे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो भूसा ब्राह्मणों ने एजुकेशन के द्वारा भर दिया है उसी को सही मानते हैं और उसी को सही मानकर वो अपने जीवन में काम करते रहते हैं, वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं। उससे तो बेहतर अनपढ़ लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर को धोखा दिया। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये नहीं कहा कि अनपढ़ लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आजाद भारत में जो भयंकर स्थिति है
उसमें प्रथम श्रेणी का जो बुद्धिजीवी है वो सरकार का नौकर है, द्वितीय श्रेणी का जो बुद्धिजीवी है सरकार का नौकर है, और क्लास थ्री और क्लास फोर के जो लोग हैं जिनकी बुद्धि क्लास थ्री के लायक है, जिनकी बुद्धि क्लास फोर के लायक है, वो लोग आंदोलन चलाने के लिए नेता बने हुए हैं। हमारे बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के जो संगठन हैं, उनके नेता ज्यादातर उनके नेता क्लास थ्री और क्लास फोर के लोग हैं। अब आप बताओ, बाबा साहब जैसा पंडित महापंडित आदमी जिन्होंने आंदोलन चलाया, उसके आंदोलन का नेतृत्व वर्तमान में क्लास थ्री और क्लास फोर के लोगों के नियंत्रण में होगा, तो उसका सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मणों की जरूरत है? ब्राह्मणों की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम खुद ही सत्यानाश करने के लिए इतने पक्के हैं कि हम खुद ही ऐसे फैसले लेते हैं कि हमारे फैसले से ही हमारे समाज का और हमारे आंदोलन का सत्यानाश हो जाता है, और हो रहा है। मैं ऐसे नेताओं का नाम लेकर अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता, और खामखा उनका नाम लेने से बड़ा हो जाएगा।